दूसरी तरफ प्रयागराज में नामांकन करने जा रहे मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश की जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को हालांकि पकड़ लिया है। बताया ये जा रहा है कि ये आरोपी ब्लेड लेकर आया हुआ था और सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमले की कोशिश की गई थी। सिद्धार्थनाथ सिंह आज उस समय बाल बाल बचे जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान एक शख्स वहां पर पहुंचा जिसके हाथ में ब्लेड थी और उसने सिद्धार्थनाथ सिंह पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि वहां पर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी थी, सुरक्षा कर्मियों ने आरोपी को पकड़ लिया है। सिद्धार्थनाथ सिंह जो मौजूदा उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री हैं और वो नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे थे, इसी दौरान हमले का ये कहा जाए हमले का वो शिकार हुए और एक शख्स ने उन पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन गनीमत यह है कि सिद्धार्थनाथ सिंह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ये आरोपी कौन है फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, उससे पूछताछ जारी है।